हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक, व्हाई करियर इन ऑटोमोटिव, मींस ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिजाइंस विच आर द प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइंस, मींस द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिजाइन विच आर थ्रू आउट ऑल ऑटोमोटिव्स, मींस पैसेंजर्स व्हीकल्स एंड कमर्शियल्स व्हीकल्स। सो फ्रेंड्स, इन इंटीरियर वी विल सी द डैशबोर्ड विच इज कॉल्ड एज आईपी, डोर पैनल and the pillars, ABC pillar, or the central console which is called as also floor console. तो हमें ये सभी देखना है कि grab handles है, interior के all each and every parts, dashboard के ऊपर के सभी सब assemblies and components सब कुछ हमें cover करना है interiors में। Watch video till the end to understand why career in automotive plastic product designs means automotive interior and exterior trims. First, we will see the difference between automotive and non-automotive. In automotive, all vehicles comes, means commercial, passengers vehicles, mining, agricultures, all vehicles comes in automotive. And in non-automotive, which industry comes? There are defense, electronics, electrical, household, medical, switchgear, these industries come. The end products which having high price, then the customer will pay for that and same company gives you to back, means आपको क्या होने वाला है, अगर customer ज्यादा pay करेगा वही company आपको reward करेगी। इसीलिए automotive में आपके लिए packages and salary high है as compared to non-automotive। इसीलिए हमें क्या करना है, automotive में ही career करना है। तो next उसमें समझ में लेना चाहिए आपको कि आपको product design में करना है या tool design में करना है। There are two fields, one is product design, other is tool design. तो सभी product designs बनते हैं सभी OEMs में यानी big companies में जिसका खुद का product है। तो आपको जाना है product designs में, क्यों? जैसे कि मान लीजिए आपको casting का product design है, तो उसके लिए क्या लगता है, pattern casting और casting tools लगते हैं। तो casting का product का design किस में होगा, तो वो company में होगा। तो इसलिए आपको product design करना है। Next क्या है, नेक्स्ट है आपका फोर्जिंग। तो फोर्जिंग का प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी में होगा, उसका टूल मैन्युफैक्चरिंग टूल डिजाइन वो वेंडर के पास होगा, वो टायर वन, टायर टू, टायर थ्री सप्लायर होगा, उसके पास होगा। तो वो उसके एम्प्लॉय को कम ही देगा सैलरीज एंड पैकेज एज कंपेयर टू OEM जो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा। और नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि क्या है, शीट मेटल का प्रोडक्ट डिजाइन है। तो शीट मेटल या फैब्रिकेशंस, उसके लिए जो जो लगता है टूल डिजाइन, मीन्स उसके लिए हो गया शीट मेटल के लिए क्या हो गया आपका कि शीट मेटल प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। और फैब्रिकेशंस के लिए सभी चैनल्स, एंगल्स, आई बीम्स, एल बार, सी बीम्स, व्हाट एवर विल बी दैट। एंड उसके लिए क्या होगा आपके लिए, फिक्चर्स लगेंगे, जैसे कि BIW फिक्चर है, वेल्डिंग फिक्चर है, और अदर फिक्चर जो रहेंगे, मशीनिंग फिक्चर, VMC, CMC, दैट्स आर सेकेंडरी। टूल्स अंडर कम्स दैट फिक्चर्स, टूल्स और चेकिंग फिक्चर्स दैट कम्स अंडर टूलिंग। और वो काम कौन करता है, वो करता है टायर वन, टायर टू, टायर थ्री सप्लायर विच इज आर द स्मॉल कंपनीज विच विल नॉट गिव यू द गुड पैकेजेस। तो आपको किस में जाना है, प्रोडक्ट डिजाइन में। और दूसरा टेक्निकली कंपेरिजन क्या है कि जो टूल डिजाइनर है या टूल मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में कंप्लीट पता नहीं होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट डिजाइनर है उसको टूल डिजाइन के बारे में पता होगा, ताकि वो कंसिडरेशन कंसिडर करके ही टूल डिजाइन करेगा, प्रोडक्ट डिजाइन करेगा। तो हमें क्या करना है कि मटेरियल वाइज देखना है कि ये है मटेरियल वाइज उसका डिस्क्रिप्शन, मींस कितने आप होल ऑटोमोटिव में कितने परसेंटेज वाइज मटेरियल्स है। तो उसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स में स्टील और अदर्स मेटल हो गए, नॉन मेटल में ग्लास, प्लास्टिक और अदर कंपोजिट मटेरियल हो गए। तो हमें क्या है कि वेट आपका आपका यहाँ प्लास्टिक्स का वेट और उसका परसेंटेज कम दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा है, वेट कम है, लेकिन आयरन और स्टील का क्या है कि कंपोनेंट कम है, वेट ज्यादा है। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑटोमोटिव में आपको कौन से मटेरियल के कंपोनेंट्स दिखेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर काउंट किए तो वो है प्लास्टिक्स के। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक्स में जाना है। हमने यहां तक देखा है कि हमें क्या करना है, एक तो नॉन ऑटोमोटिव में नहीं जाना है, हमें ऑटोमोटिव में करियर करना है, उसमें भी प्रोडक्ट डिजाइन में जाना है, पार्ट डिजाइन में, नॉट इन टूलिंग। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि विच डोमेन इन पार्ट डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन हमें जाना है। तो उसमें क्या है, हमारा तो डिसाइडेड है कि प्लास्टिक में जाना है,
लेकिन अदर कौन से है और क्यों नहीं जाना है ये देखना है हमें। तो उसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि कास्टिंग है। तो कास्टिंग ऑटोमोटिव में कास्टिंग के मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं इंजिन्स में। आउट ऑफ ऑल कास्टिंग कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोटिव, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन इंजिन्स होते हैं। बट करंट इन इरा क्या होने वाला है, इंजिन गेट रिप्लेस विद द इलेक्ट्रिक बैटरी, तो क्या होगा, कास्टिंग इलिमिनेट होगा या लेस हो जाएगा, तो इसलिए हमें कास्टिंग में नहीं जाना है, राइट। तो वैसे वन बाय वन देखेंगे हम कि किसमें कौन से डोमेन है और कौन से में नहीं जाना है। तो अभी कौन सा देखा हमने, कास्टिंग, नेक्स्ट होगा फोर्जिंग, उसके बाद होगा फैब्रिकेशन है, उसके बाद है शीट मेटल्स। तो ये सब में क्या ड्रॉबैक्स है अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और हमें जाना सिर्फ प्लास्टिक में क्यों है, तो ये चीजें हमें कवर करने। तो नेक्स्ट देखेंगे कि फोर्जिंग, तो फोर्जिंग कंपोनेंट्स कौन से है ऑटोमोटिव में, तो ऑटोमोटिव में फोर्जिंग कंपोनेंट्स मैक्सिमम है आपके ट्रांसमिशंस के। तो ट्रांसमिशंस में क्या होगा कि फोर्जिंग के कुछ कंपोनेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, मीन्स कुछ कंपोनेंट इलिमिनेट होंगे, लेस होंगे, तो इसीलिए आपको उसमें भी नहीं जाना है क्योंकि ज्यादा स्कोप है नहीं है इन फ्यूचर। नेक्स्ट आपको देखना है कि फैब्रिकेशंस में क्या है, कि फैब्रिकेशंस में क्या होगा, ऑटोमोटिव की चेसिस एंड ऑल बॉडी कंपोनेंट्स आएंगे जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ड्यू टू स्ट्रेन टू वेट रेशियो, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है चैलेंज, कि आपको क्या करना है, व्हीकल का स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है और उसका वेट कम करना है ड्यू टू इफिशियंसी इंक्रीजेस। तो वहां भी कंपोजिट मटेरियल का इनोवेशन आएगा और वो भी इन फ्यूचर्स कास्टिंग में आएंगे, वो भी कास्टिंग्स या मोल्डिंग्स पार्ट्स में आएंगे, मीन्स कंपोजिट मटेरियल्स इम्बेडेड विथ प्लास्टिक आएगा, तो इसीलिए वहां भी कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट शीट मेटल डिजाइंस, तो नेक्स्ट टू प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइंस, नेक्स्ट मैक्सिमम कंपोनेंट्स किसके हैं, शीट मेटल्स के हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है कि शीट मेटल कंपोनेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्लास्टिक्स पे, क्योंकि वो सभी अचूज कर रहे हैं उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एंड एप्लीकेशंस वॉट एवर। तो हमें क्या करना है, इसीलिए हमें शीट मेटल से भी प्लास्टिक्स प्रायोरिटीज में है और मैक्सिमम कंपोनेंट्स है, इसीलिए उसमें जाना है। यहाँ अगर आपने कंपेरिजन देखा प्रोडक्ट डिजाइंस और टूल डिजाइंस का, फिर से मैंने जैसे पहले बताया था, तो शीट मेटल्स प्रोडक्ट डिजाइंस के बाद क्या आएगा, उसका टूल डिजाइन आएगा। टूल डिजाइन में क्या है कि उसके ऑपरेशन है लाइक पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, ट्रिमिंग, नॉचिंग, बेंडिंग, ब्लैंकिंग, वॉट एवर, उसका रिस्ट्रेनिंग एंगल क्या होगा, एंगल अच्छी होगा या नहीं, फ्लेंज लेंथ कितनी होगी, हाइट क्या होगी उसकी, शीट मेटल का थिकनेस कितना होना चाहिए, उसमें थिनिंग होगा क्या, उसमें वेवनेस आएगा क्या, तो ये सभी चीजें हैं। तो ये इसमें आएगी टूल डिजाइन में, आपका पार्ट प्रोडक्शन तक, फिर पार्ट प्रोडक्शन होने के बाद वो आ गया असेंबली के लिए। तो असेंबली में क्या लगेगा आपको, बीएडब्ल्यू फिक्सर्स लगेगा। जैसे आपको कास्टिंग में क्या होगा, रॉ कास्टिंग मिलेगा तो वो सीधा यूज नहीं कर सकते, उसके बाद उसको टर्निंग वीएमसी सीएनसी होगा। फोर्जिंग में भी वैसे होगा, वीएमसी सीएनसी बीएमसी टर्निंग होगा, वैसे ही शीट मेटल्स में बीएडब्ल्यू फिक्सर्स लगेगे, फिर स्पॉट वेल्डिंग और अदर ऑपरेशंस होंगे और जाके फिर आपका पार्ट लगेगा। तो ये सेकेंडरी ऑपरेशंस है। तो आपका फर्स्ट क्या है, आपको जाना है प्रोडक्ट डिजाइन में, उससे पहले फर्स्ट आपको जाना है ऑटोमोटिव डिजाइन में, नेक्स्ट जाना है प्रोडक्ट डिजाइन में, और उसमें से भी नेक्स्ट जाना है आपको ओनली प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन में। इंटीरियर में आएगा आपका डैशबोर्ड विच इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, डोर पैनल, सेंट्रल कंसोल्स और योर एबीसी पिलर्स एज अकॉर्डिंग टू व्हीकल्स, एंड आपका रूफ आएगा, और ऑल विद इन द प्लास्टिक पार्ट विद इन द कॉकपिट और वॉट एवर विद दैट। तो वी हैव टू कवर एक्सटीरियर में कौन से कंपोनेंट आएंगे, तो उसमें आएगा प्लेनम, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, टेलगेट, फेंडर, मिरर गार्निश और यंग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएगी जो कि आपको एक्सटीरियर्स में कवर होंगे। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइंस में मैंने पहले टू पार्ट्स कवर किए थे, कौन से, कि फर्स्ट वन था इंटीरियर जिसमें सब कुछ आता है क्या, आईपी मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल, पिलर, डोर पैनल, रूफ पैनल्स और ऑल चीजें आती है। और नेक्स्ट वन था, थर्ड वन पार्ट है अंडरहुड्स के पास, जैसे कि आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में आएंगे या इनलेट सिस्टम में आएंगे, ये हो गए करंट्स के लिए।
और अदर जो भी पार्ट्स रहेंगे कि एचवीएसी डक्टिंग सिस्टम्स है और हार्नेस सिस्टम्स है, कनेक्टर्स है, स्विचेस है, वो सभी अंडरहुड्स पार्ट हो गए, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम्स हाउसिंग्स रहेंगे वो है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन्स इज द बेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन ऑटोमोटिव और इन ऑटोमोटिव ऑल्सो, एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स पार्ट्स यू हैव टू फोकस एंड मेक करियर इन द प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन ओनली। So I will provide the industrial training to all as a fresher or a worker or already having experience in different domains who wish to shift into automotive. So for that, contact me on given mobile number. All details and syllabus go to my YouTube channel. Watch all videos to you get the all details knowledge about the प्लास्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। तो धन्यवाद।